दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं संदीप धामा जी के पास में, जो कि खेकड़ा बागपत में जिनका फार्म है। और मैं बताऊं, ये बहुत ही छोटे स्केल से उन्होंने स्टार्ट करा था, लेकिन आज ये अच्छे खासे इसको पैमाने पे कर रहे हैं, अच्छे खासे इससे इनकम भी ले रहे हैं। और काफ़ी जो सबसे बढ़िया जो बात लगी, काफ़ी वैरायटी इनके पास हैं। इनके पास खरगोश भी हैं, बत्तखें भी हैं, कड़कनाथ भी हैं, और साथ में डबल एफजी वगैरह भी, और साथ में ये कबूतर और खरगोश भी उन्होंने हमें पाले हुए हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है पूरा बात करेंगे संदीप जी से, और देर न करते हुए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। सर सबसे पहले जो है अपना एक आप परिचय आप दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संदीप धामा, धामा पोल्ट्री फार्म, खेकड़ा बागपत, यूपी 17। संदीप जी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप यंग हैं, जवान हैं, और आपने फार्मिंग की तरफ जो कदम आपने बढ़ाए हैं वो बड़े सराहनीय, क्योंकि लोग इससे हटते जा रहे हैं। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं तो जी 8वीं पास हूँ, 8वीं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा 8वीं पास हैं आप। पहले जो है प्राइवेट नौकरी करता था, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी में कुछ नहीं रखा हूँ, अभी अपना काम करता हूँ। तो नौकरी छोड़ के आपने काम स्टार्ट करा? हाँ नौकरी छोड़ी नहीं, पर प्रॉपर्टी डीलर कमीशन का काम करता था मैं, अभी भी करता हूँ। पर जो है नौकरी नहीं करनी थी कभी भी, नौकरी की इच्छा नहीं। तो अभी कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब जो आपने सोचा था वही हो रहा है, ज्यादा उस हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं? उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ, और उसे 4 गुना ज्यादा बढ़ा के चलूंगा आगे और भी। बहुत बढ़िया। तो आइए संदीप जी देखते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने फार्म पे क्या क्या किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना संदीप भाई ने पूरे जुगाड़ के साथ सारा सिस्टम किया हुआ है। तो संदीप जी ये क्या जुगाड़ है, मतलब आपने टांगे में बच्चे, मतलब? हाँ ये बच्चे रख ली, इधर बच्चे। अच्छा अच्छा, ये डबल एफजी चूजे है, और जो है बत्तख के बच्चे हैं इसमें। अच्छा इससे क्या करते हैं आप? ये इधर उधर हिलाने के लिए, जो है जगह इकट्ठे ना हो। अच्छा अच्छा, इकट्ठे ना हो। हाँ इकट्ठे ना हो, इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो सर ये क्या बच्चे तैयार करते हैं आप, क्या करते हैं? हाँ जी बच्चे का काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे का काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं जो शेड आप मैंने आपको दिखाया, ये बहुत ही छोटे एरिया में बना हुआ है। तो सर क्या एरिया होगा इसका जो आप? 4x12 का। और कितने बच्चे डाले हुए आपने इसमें? बच्चे 200 बच्चे हैं, 100 बत्तख के हैं, और जो है 150-200 उसके बाद। और ये पूरा फार्म का क्या एरिया होगा? 100 गज। 100 गज में आपने? ओनली 100 गज। कितने आइटम रखे हुए हैं? 100 गज में मैंने जो है कबूतर रख रखे है, ये जो है 100 कबूतर है, और जो बुटेर है 150-200, डबल एफजी चूजे है, डबल एफजी मुर्गी है, कड़कनाथ है, बत्तख है, खरगोश है, असील मुर्गी है, गिनी पिग है। तो ये अभी हमने देखे डबल एफजी के बच्चे। हाँ जी हाँ जी। और दिखाइए सर क्या है, और क्या? और ये बत्तख है, एडल्ट बत्तख है। अच्छा ये आपने यहाँ पर ये बत्तख है, बत्तखें रखी हुई है। इधर बत्तख है, ये कुड़क मुर्गी है, खोल के दिखाइए सर। ये जो कुड़क हो जाती है मुर्गी, उसे भी बैठा इधर। अच्छा ये मुर्गी आपने कुड़क की हुई है, अंडे पे बैठी है, और ये अंडे हैं इसके। हाँ ठीक है जी। और ये गिनी पिग है इसमें, ये काटते नहीं, ये सुंदर लगते हैं बहुत, इसे जो है ना लेडीज ज़्यादा रखती है। अच्छा, ये प्रेगनेंट फीमेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको ये काटते नहीं है, ये पालने वाले हैं, इनको लेडीज ज़्यादा रखती हैं। हाँ लेडीज ज़्यादा रखती है, खूबसूरत लगते हैं बच्चा इसका। अच्छा अच्छा, तो ये शौक के तौर पर? शौक के तौर पर रखते हैं, वैसे सेल भी कर देते हैं, सेल के लिए भी है। अच्छा और क्या है सर? और जो है इसमें अगले वाले में बुटेर है, ये खरगोश। हाँ जी खरगोश है, खरगोश भी, ये खरगोश रखा हुआ आपने? ये प्रेगनेंट खरगोश है इसमें, ये जो है प्रेगनेंट। अच्छा ये अलग से रखा हुआ? हाँ ये प्रेगनेंट है फीमेल, ये इनके बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ये बुटेर है, ये देखो 4x8 का है, इसमें 100-150 बुटेर रखते हैं हम। तो ये भी सर डिमांड पे आपकी? हाँ डिमांड है, इनके भी बच्चे कटवाते हैं हम। ये कड़कनाथ है इधर, ये सब अंडे वाली मुर्गी है। तो ये कड़कनाथ हो गए? हाँ जी कड़कनाथ। उधर सब तक उधर डबल एफ जी है? हाँ उधर डबल एफ जी है। सर ये क्या सिस्टम आपने सर यहाँ किया हुआ है, ये क्या सिस्टम? ये जो है ना जब एक दिन का चूजा आता है ना, तो वो उसे बचाना मुश्किल होता है, उसके लिए हीट नहीं मिल पाती उसे खुले में। ये जो है ना टंकी, ये 300 रुपये की आ जाती है पुरानी जी। हाँ इसे अद्धे में करके इसमें जो है 100 चूजे आ जाते हैं, 100 चूजे आने के बाद में इसमें एक पानी का टैंक कटेगा तो एक व्यू आ जाएगा, इसमें बच्चे घुलते कूदते रह जाते हैं, एक भी बच्चा नहीं मरता, हवा नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये बत्तख के बच्चे हैं? हाँ ये बत्तख के, ये हैच ही मशीन है, हैच करते हैं मशीन को। दिखाइए
इसमें हम पानी डाल देते हैं, इधर पानी पंखा चलता रहता है, इसमें जो है 100 बच्चे आराम से लेकर जाते हैं, दो अंडे दो ट्रे लगती है अंडे की। जी जी। और ये आपने यहाँ पर ये अंडे रख रखे हैं? ये आपने यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं? हाँ ये अंडे है। कि आपने कम जगह होने के साथ साथ हाँ जी के बावजूद भी आपने जो है यहाँ पर कई तरह की वैरायटी पाली हुई है। हाँ जी। तो ये सर आइडिया कैसे आया आपको? ये जो है मैं पहले जो है बजरी तोते का शौक था मेरे। हाँ जी। खरगोश खरगोश तो मैंने लिया तो बजरी के लिए था, पर मेरे जो है ना बिजनेस करना था, उसमें एकदम से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता जो है। ये बजरी जो है 4 महीने में ब्रीड करते हैं, 1 महीने 1.5 महीने इनके जो है रोज 15 दिन में पैसे खोल देते हैं हम। अच्छा अच्छा। इनका 15 दिन में पैसे खुल जाते हैं। तो सर ये कैसे कैसे आप सेल करते हो, कहाँ कहाँ सेल? ये जो है मेरे पास फेरी वाला बंदा है हमारे यहाँ पे, उसे दे देते हैं हम बच्चा, वो जो है उसी रेट ले लेता है, फिर 10-20-5 रुपये जो भी बच्चा ले देते हैं हम, उस वो ले जाता है पिंजरे में गाल के सब। तो क्या क्या रेट का दे रहे हैं, कैसे कैसे आप? 15 दिन का जो चूजा है वो हम जो है 55-60 रुपये के लमसम देते हैं। हाँ। और जो 1 महीने का चूजा है वो 80 से लेकर 75 रुपये लोग का दे देते हैं हम। मुनाफा क्या ले रहे हैं सर? मुनाफा जो है ये 10 रुपये बच्चा 20 रुपये बच्चा बढ़ जाता है हमें। महीने की अगर बात करें तो कितना आप कमा रहे हो? महीने में जो है मैं कमा लेता हूँ 15 से लेकर 30 हज़ार तक का जी। सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, अलग अलग महीने में अलग अलग बच्चे घेरते हैं। नौकरी में कितना कमा रहे थे? नौकरी में तो 8-9 हज़ार रुपये यही मिलते थे। ये तो वो भी 12 घंटे की ड्यूटी है। नौकरी से बेटर है? हाँ बहुत बेहतर, नौकरी से बहुत बेहतर। घर का अपना काम भी है आपका? जो मेरे साथ बंदे थे वे आज भी धक्के खा रहे, वे मेरे जैसा बनना चाह रहे पर बन नहीं सकते अब। हाँ, क्योंकि मैं उनसे 2 क्लास आगे लिखड़ गया, जैसे मैं अनपढ़ था उनमें उनसे 2 क्लास आगे ऐसे लिखड़ गया। बिजनेस में जो है ना अपना बिजनेस, इसको पहले बड़े बूढ़े कहते थे अपना जो काम है ना उसे 4 गुना बता सकते हैं, मालिक का काम नहीं बता सकते। मालिक जो है तुम्हें बताएगा तो मालिक नौकर की नज़र से देखेगा, हम अपने काम में बताएंगे, मैं मालिक के जैसे ही रह गया, मालिक भी क्या होगा, मैं नौकर नहीं कह सकता। सही कह रहे हैं। तो सर जैसे आपने तो काम यहाँ पे स्टार्ट करा है, हाँ जी, कोई अगर शुरू करना चाहे अपना काम तो काम शुरू कर सकता है? हम जो है उसे 10 बच्चे से लेके 100 बच्चे 200 बच्चे 400 बच्चे तक का देंगे उसे। हम फार्म विजिट भी करवाओगे, कैसे रहन सहन करना, क्या क्या देना, कैसे कैसे रखनी, वो भी हम बताएंगे। कोई ऐसा फार्म नहीं बताता कि भाई ऐसे रख लो या ऐसे खुवा लो या ऐसे पिया लो, हम जो है सब चीज़ दिखाते हैं। हम ऐसे बता देते हैं कोई टंकी काट के धर लो, उसमें जो है एक बल्ब टांग दो, बच्चे नहीं मरने देंगे हम, जो भी मेरे पास से ले जाते हैं ना। हम घर पर भी देख के आते हैं किसी के, तो हम देखते हैं वो तो बच्चे पाल ही रहे हैं, जैसे माम दिखाते हैं ना, हम बता देते हैं सबको कि भाई 4x4 की कॉलोनी बना लो आराम से पाल लोगे, 2x2 की, ऐसे नहीं कहते भाई 100 बच्चे ले जा, शुरुआत हुई ना मर के गिर के सब ऐसे मर जाते हैं, देख रेख होते हैं इनमें बस। जी जी। यानी अगर कोई कम बजट से शुरू करे तो वो महीने के 15-20 हज़ार रुपये कम से कम कमा लेगा, आराम से कमा सकता है, कम से कम आराम से कमा लेगा। ठीक है। मेरे पास तो अलग अलग ब्रीड है, मैं तो जो है अलग अलग पैसे कमाता हूँ, कभी इनसे कभी उनसे कभी इनसे। जी जी जी। तो ये है कि आपने छोटे से शुरुआत करी, कम पैसा आपने इसमें लगाया है? हाँ जी हाँ जी, सब जुगाड़ से आपने यहाँ पे बनाया हुआ है? हाँ सब जुगाड़ से बनवा रखा हूँ। तो आप लगेगा आपको, अब आपका प्लान क्या सर आगे का? मेरा जो है 2 बीघे में फार्म बनाना है पूरा बड़ा, अभी तो जो है 100 गज में, फिर जो है 2000 गज में हो जाएगा। जी जी। फार्म में जो है मैं क्वालिटी और भी लम्बा, और भी बहुत जो है मेरे पास डॉग भी है और बड़े बड़े पक्षी परिंदे लम्मा और बहुत सुंदर सुंदर जो है ना, मैं जू बनाना चाहता हूँ, छोटा सा एक जू, छोटा सा जो जो रोज की मार्केट होती रहे, बच्चे हमारे इधर से दिल्ली जाते हैं माल लेने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे भी देख सर्च कर करके आदमी जाते हैं दिल्ली, वहाँ से बीमार बीमार दे देते हैं या कोई बूढ़ा ठेरा दे देते हैं। हमारे पास हम मेल फीमेल पिछाड़ के देते हैं, बीमार नहीं देंगे, लंगड़ा वंगड़ा नहीं देंगे, अंधा काना नहीं देंगे, हम जो है बिल्कुल ब्रीडर कहेगा तो ब्रीडर मिलेगा और पट्टे कहेगा तो पट्टे देते हैं हम। जी जी। धोखाबाजी नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद।